हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप मालदीव जा रहे हैं तो ये स्पेशली ये वीडियो आपके लिए ही है। मालदीव मेरे दोस्तों, मालदीव हमारा सपनों का शहर है। हम सोचते हैं मालदीव एक बार मालदीव हो आए। मालदीव बहुत अच्छी जगह है, मालदीव घूमने के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मालदीव में कुछ नहीं रखा है। एक इंडिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो लक्षद्वीप चले जाइए, आप गोवा चले जाइए, इससे बेस्ट जगह है हमारी ये इंडिया में ही मौजूद है। मालदीव में लक्षद्वीप में इतनी इतनी महंगाई महंगाई है कि दोस्तों अगर आप होटल में रुकने भी जाएंगे तो आपका 8-10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये सिर्फ नॉर्मल सिर्फ लोएस्ट होटल में ही खर्च हो जाएगा। और इतनी महंगाई है वहाँ पर कि हर चीज़ एक 10 गुना होकर के मिलती है। अगर हम एक 10 रुपये वाला साबुन भी ख़रीदेंगे तो वहाँ पर वो साबुन आपको 100 रुपये 110 रुपये का मिलेगा। अगर हम एक कोलगेट ब्रश भी ख़रीदेंगे, 30 रुपये का कोलगेट ब्रश ख़रीदते हैं तो वहाँ पर 150-160 रुपये का लोकल ब्रश मिलेगा। दोस्तों वहाँ पे खुद इतनी जॉब नहीं है तो वो हम लोगों को क्या जॉब देंगे। मालदीप में कोई जॉब नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आती है, ये सिर्फ इंडिया की जो कंपनी है कुछ वो निकाल देती हैं। और जो बहुत ही नीच काम होते हैं, बहुत नीचे पोस्ट होती हैं वहाँ, सिर्फ ये उस चीज़ के लिए हायर करते हैं। क्योंकि मालदीप के जो लोग हैं वो ज़्यादातर खुद ही एब्रोड जा कर के सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर अपनी जॉब अपना बिजनेस करते हैं। मालदीप में खुद कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सारा सामान इंडिया से और हमारा सारा सामान इंडिया और चाइना से, जापान से ख़रीदते हैं, कतर से ख़रीदते हैं लोग। यहाँ से मेनली इंडिया और चाइना से ख़रीदते हैं सब्जियाँ, सब्जियों से लेकर के ड्राई फ्रूट, फ्रूट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जो भी चीज़ है, मेडिसिन है, सारा कुछ वो इंडिया से ही यहाँ से लेते हैं। इनकी अपनी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ टूरिज़म से चल रही है और मछली से चल रही है, उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है। दोस्तों ये हमें बुला लेते हैं कि सब्ज़ी काटने का काम है, कि रेस्टोरेंट में ये काम है, कि रिजॉर्ट में ये काम है, कि साफ़ सफ़ाई का काम है, कि एयरपोर्ट में साफ़ सफ़ाई का काम है। और ये बहुत से बहाने से हमें बुला लिया जाता है कि हाउस ड्राइवर की ज़रूरत है। वहाँ पे इतनी खुद कोई गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, छोटा सा एरिया है, वहाँ गाड़ियों की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों ड्राइवर के जो बीजे लगा करके आपको बुला लेते हैं, आपको इधर उधर के बीजे लगा करके, वो सब जो बीजे होते हैं फर्जी बीजे होते हैं, वो लगा करके आपको बुला तो लेते हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको 1-1.5 महीना रखते हैं, उसके बाद में आपको भेज देते हैं लेबर का करने के लिए, लेबर दिहाड़ी करने के लिए। यहाँ पे ज़्यादातर इंडियन कंपनी है, अभी आपने KFC का सामने देखा होगा, यहाँ पे SBI बैंक है, ये सब इंडियन ही है। और इंडिया की कंपनी जो है यहाँ पर जो काम कर रही है वो हमें ले तो जाती हैं यहाँ से, लेकिन वहाँ ड्यूटी बहुत कराती हैं, 18-18, 20-20 घंटे ड्यूटी कराती हैं। और यहाँ का मौसम ऐसा है कि आप देख रहे होंगे ज़्यादा देर में सामने बादल दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा देर में धूप हो जाती है और ज़्यादा देर में इतनी बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ज़्यादा देर में इतनी धूप होगी कि आपसे रुका नहीं जाएगा। ये दोस्तों दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में ही मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा था, बहुत ही धूप होती है। अभी तो इस टाइम मौसम ठीक दिख रहा है आपको, अब ये बारिश का ही बस 1-2 मिनट में बारिश आने वाली है। तो दोस्तों मालदीप में उनका खुद अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, किसी चीज़ का कोई बिजनेस नहीं है, तो वो आपको क्या रोज़गार देंगे। इसलिए बस आप जाना चाहते हैं तो आप गल्फ़ कंट्री चले जाइए, आप अब्रॉड चले जाइए, लेकिन मालदीप नहीं जाइए। मालदीप में कुछ ऐसा नहीं रखा है, बहुत महंगाई है, खाने को कुछ नहीं मिलता, खाने को इतना बेकार खाना मिलता है। सारा इंडिया से सब्जियाँ आती हैं, 10-10, 15-15 दिनों में आती हैं इंडिया से सब्जियाँ जहाज़ों के थ्रू, उसके बाद में वो सब्ज़ियाँ हम लोगों को मिलती हैं, दाल हमें मिलती है। वहाँ पे बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। ये सामने आपको दिख रहा है, ये सारा रेता है। और यहाँ पे हम लोग एग्जीबिशन करा रहे थे तो वहाँ पे सामने आपको दिखता होगा पानी 5-5 फीट 4-4 फीट पे ही पानी निकल आता है, और यहाँ पे बस यही चल रहा है। बहुत ही धूप है और यहाँ का जो स्टाफ है, सीनियर स्टाफ, बहुत ही बेकार स्टाफ है, बहुत बेकार स्टाफ है सारा। 18-18, 20-20 घंटे ड्यूटी कराते हैं, डे नाइट करते हैं, करते रहो। मैं तो यहाँ से भाग के चला जाऊँगा कुछ दिन में, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी है उस हिसाब से तो मेरी $600 सैलरी है, तो मेरा $700 सैलरी है मेरी, तो मेरा नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। तो सोचा आप 350-400 में क्या करोगे आकर के, यहाँ पे बहुत ही महंगाई है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ रुकने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैंने एक वीडियो बनाया है जो लेबर के आपको बताई गई, लेबर के जवानी है, या आप सुनिए इस वीडियो को, इसमें आपको पता लग जाएगा लेबर की जवानी क्या कह रहे हैं लेबर। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी जी, MD हासिम। अच्छा, कहाँ से हो आप? बिहार से। यहाँ कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? सर यहाँ 6 महीना हो गया है, बहुत मेहनत का काम है। तनख्वाह का सैलरी टाइम से मिल जाती है? सैलरी तो वही है, अभी 25,000-26,000 होता है। अच्छा, और काम ड्यूटी कितनी है यहाँ पे? ड्यूटी 9 घंटे का है सर।
9 घंटे का है जी जी। मैंने सुना है कि 12 घंटे 11 घंटे कोई टाइम नहीं है यहाँ पे ड्यूटी का। हाँ ड्यूटी का तो कोई टाइम नहीं है, कभी भी रात में वो काम करा सकता है, कभी अच्छा। भी लेके जा सकता है आप, और न बारिश देखता है और न वो जहाँ भी वहाँ डाल देता है। कितना टाइम हो गया आपके यहाँ? 6 महीना हुआ सर। 6 महीना हो गया जी सर। अच्छा अब क्या करें सर, 2 लाख रुपया फंसा के आया सर, तो रहना ही पड़ेगा मजबूरी में। हाँ 2 लाख रुपया दिया तो रहना ही पड़ेगा। यहाँ का सिस्टम बहुत बढ़िया नहीं है, वहाँ का सिस्टम जो है ना बढ़िया नहीं है सर। मैंने सुना है गल्फ में बहुत अच्छा काम होता है। नहीं नहीं सर, वो सिर्फ नाम के लिए है और काम कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ कुछ नहीं है काम, तो मतलब कैसा, अच्छा नहीं है काम? नहीं अच्छा नहीं है, क्या करें सर। अच्छा और आप? मैं बिहार से हूँ सर। हाँ कितना पैसा खर्च करके आए आप? 2 लाख रुपये। आप भी 2 लाख खर्च करके आए हो? जी सर। अच्छा तो यहाँ पे काम कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है काम करते हुए? नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा मतलब एक तरीके से फंस गए यहाँ पे आकर के। अब 2 लाख रुपये फंसा गए सर। हम भी फंस गए आकर के, हम खुद बोल रहे हैं हम भी फंसे हुए हैं। अच्छा 2 लाख रुपये लगा के 2 लाख तो पूरे करके तभी जा पाओगे फिर घर? तभी जाएगा। अब कितने 8 महीना लगेगा, 9 महीना लगेगा 2 लाख रुपये। अच्छा और यहाँ पे मौसम कैसा है? धूप तो बहुत ज़्यादा तेज है तो काम ज़्यादा है सर। पानी कभी कभी पानी ऐसा होता है, पानी कभी भी आ जाता है सर। अच्छा और आप बताइए मिस्त्री साहब। हाँ भाई साहब आप कितना खर्च करके आए हैं? हम तो 2 लाख रुपये हमारे ऊपर पड़ गया। अच्छा मतलब आप सब तीनों एक ही जगह से हैं? हाँ एक ही बिहार से। अच्छा तो आप फिर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में, अगर कोई आना चाहे यहाँ पे मालदीव? मालदीव तो हम यही कहेंगे भाई साहब आप लोग मालदीव का सपना मत देखिए, मालदीव मत आइए, कहीं और देश अगर जाना चाहते हैं तो और कंट्री में जा सकते हैं। मैंने सुना है यहाँ पे इतनी महंगाई है कि इंडिया में जो चीज़ 10 रुपये की है यहाँ पे 100 रुपये की है वो। हाँ ये तो तम्बाकू पर महंगा हो गया है, तो जो आदमी खाने वाले आदमी है तम्बाकू सीकर सब महंगा हो गया। जो आदमी यहाँ पे $300 या $400 में आएगा वो तो फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ बचा ही नहीं पाएगा। कुछ नहीं बचा पाएगा। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं बचा पाएगा, नहीं बचाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जहाँ भी है वो बस सही है, और यहाँ का सपना मत देखिए। ये मालदीव बोलती भी है कोई नाम का है, कोई काम का नहीं है ये मालदीव, बस यहाँ पे नाम है बस, और कोई काम कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ ये सेम इंडिया की तरह है, बस सिर्फ महंगाई यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है ठीक है, पर इसका मतलब यहाँ पे आना पैसा कमाना है। हाँ आप कोई और अदर यहाँ का मौसम का कोई ठीक नहीं है, यहाँ के जॉब का कोई भरोसा नहीं है सर। बस प्यार के हैं क्या? बोल कितना खर्चा हुआ आपका? 1.5 लाख रुपये। आपका 1.5 लाख हुआ, अच्छा इनका 2 लाख हुआ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करते हुए? यहाँ पर धूप ज़्यादा है और बहुत से बीमारी यहाँ पे। अच्छा मतलब यहाँ पे जॉब के लिए या लेबर का काम के लिए या किसी भी काम के लिए आना बहुत बेकार है। बोल के बोल आता है लोग, एक काम करवाएंगे करवाता है दूसरा कोई गारंटी। अच्छा हाँ वो मेरे पास अभी और भी बंदे आए थे, वो रिजॉर्ट का नाम लेकर आए थे कि रिजॉर्ट में डिलीवरी का बॉय का काम है, कि रिजॉर्ट में ये काम है, कि सब्जी काटने का काम है, और बेचारों से यहाँ करके लेबर का काम करा रहे थे, काम करा रहे मीठी भेज देते हैं किसी और काम से और यहाँ करके कोई और काम होता है, क्योंकि यहाँ पे रिजॉर्टों में इतना वैकेंसी तो है नहीं जितनी यहाँ इंडिया में दिखाते हैं कि इतनी वैकेंसी है, उतनी वैकेंसी निकल रही है कुछ नहीं। यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको मालूम है। मुल्ला जी को ले लीजिए। हाँ हाँ बताओ बताओ बोलो। यहाँ पर बहुत धूप है, काम करने के हम लोग से नहीं हो पाता है यहाँ पर। लेबर आदमी बुलाता है लोग कोई काम के लिए तो माने करवाते हैं लोग कुछ, और होता है कुछ। अच्छा अभी हम लोग आए थे यहाँ एयरपोर्ट में काम था, और यहाँ पर आके धूप में काम कर रहे हैं। अच्छा एयरपोर्ट पे लगाया था आपके लिए, एयरपोर्ट में भेजा था? एयरपोर्ट पर ही बुलाया था, काम करना एयरपोर्ट पर ही। अच्छा एयरपोर्ट पे काम करना है। और यहाँ पता चल रहा है यहाँ फावड़ा, यहाँ धूप में काम करा रहे हैं। किसी को सब्जी कटवाने के बहाने बुला करके यहाँ पे धूप में काम करा रहे हैं, किसी को कुछ करा रहे हैं, मतलब यहाँ पे सब फंस गए आकर के। तो मेरे दोस्तों अगर मालदीव का सपना देख रहे हो तो मालदीव बस ऐसे ही यहाँ से देख लो, ये सामने, इसके अलावा यहाँ मालदीव में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके अलावा। बस जी बोलिए ना, यहाँ पे आना बेवकूफ़ी है, यहाँ पे इतनी महंगाई है, $300-$400 खर्च कर यहाँ सैलरी मिलेगी भी तो वो सारा यहीं खर्च हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दिसंबर के महीने में ऐसे पसीने छूटे हुए हैं हम लोगों के, जैसे मान लो इंडिया में हम लोग जून में हमारा जो हाल होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत काम करने में बहुत ही दिक्कत होती है। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड हैं, कोई कुछ नहीं रखा है, फ्राइडे के दिन ही आप मार्केट जा सकते हो, और छोटे छोटे आइलैंड हैं, आप कहीं से कुछ खरीद नहीं सकते, ऐसा लगेगा आपको जैसे आप काला पानी की सज़ा काट रहे हैं, आप जेल काट रहे हैं। छोटे छोटे से आपको देखते होंगे दूर दूर छोटे छोटे ये आइलैंड बने हुए हैं,
छोटे छोटे आइलैंड हैं, बाकी कुछ नहीं है। जहाज़ के थ्रू आप जाओगे एक जगह से दूसरी जगह, बहुत ही महंगाई है, मार्केट जाना पड़ता है, फ्राइडे को ही आप जा सकते हो वरना उसके अलावा नहीं जा सकते, बहुत ही दिक्कत है दोस्तों। और यहाँ का मौसम जो है सामने आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बारिश हो रही है, इतनी बारिश होती है यहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा, या तो बारिश मिलेगी आपको या फिर धूप मिलेगी, या बारिश मिलेगी या धूप मिलेगी। तो आप सामने देखिए कितनी बारिश हो रही है इस टाइम, बहुत ही बारिश हो रही है, आपको खुद पता नहीं लगेगा कब बारिश आ गई और कब क्या हो गया। एकदम से बारिश आती है और एकदम से धूप निकल आती है बहुत तेज़। इतना पानी होने के बाद भी यहाँ पे दोस्तों पानी नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए, खाने के लिए जब दूसरे देशों से सब्जियाँ आती हैं, बासी के बासी खाने सब्जियाँ पकाने के बाद हमें खाने को मिलता है, उसके बाद रहने को यहाँ पे एकोमोडेशन नहीं है और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कपड़ा इतना महंगा है कि आप ख़रीद नहीं सकते मार्केट से। क्या फ़ायदा यहाँ आने से दोस्तों, यहाँ क्या कोई फ़ायदा नहीं है आने से।